हेलो गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस सेशन ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचिंग सेंटर। योर एजुकेटर डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। पिछले सेशन में हम लोगों ने डायग्रामेटिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में देखे, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है आपका एक इम्यून सेल होता है जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स को एमएससी मॉलिक्यूल्स के द्वारा अपने आउटर सरफेस पर टी सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। टी सेल्स उस तरह के एमएससी मॉलिक्यूल्स द्वारा इंटरैक्ट कर हमारे बॉडीज के इम्यून सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है। तो आज के सेशन में भी मेनली रूप से हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में ही देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या शॉर्ट में एपीसी और एक्सेसरी सेल्स भी कहा जाता है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में देख रहे हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में एपीसी बोलते हैं। तो एपीसी आर सेल्स वैसे सेल्स होते हैं, वैसे इम्यून सेल्स होते हैं दैट डिस्प्ले एंटीजेंस बाउंड बाय एमएससी प्रोटीन। जो एमएससी प्रोटीन, एमएससी के बारे में पढ़ रहे हैं, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसके द्वारा वह आपको बाउंड करता है ऑन इट्स सरफेस, अपने सरफेस पर एमएससी रिसेप्टर्स के द्वारा वह आपको शो करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंटीजन प्रेजेंटेशन। जिस कंडीशन को एंटीजन प्रेजेंटेशन कहा जाता है। एंटीजन हम लोग जानते हैं कि जब कोई फॉरनर पार्टिकल्स हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, और वह जब अपनी एक्टिविटीज के द्वारा कोई खास विशेष तरह के प्रोटीन्स सेक्रेट करता है, और वह प्रोटीन्स जो है आपका स्पेसिफिक होता है, माने हर एक तरह के जो एंटीजन्स होते हैं उसके लिए खास तरह के वह अपना प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो वह जो लिपिड पॉलीसेकेराइड्स और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो आपको एंटीजन कहलाते हैं, और उस एंटीजन को एपीसी जो सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसे एमएचसी एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसके द्वारा वह टी सेल को शो करता है। तो मेनली रूप से एमएचसी जो है ओनली रिकॉग्नाइज टी सेल्स, और टी सेल्स आर टू टाइप्स, टीएच टी हेल्पर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स। एमएचसी सेकंड जो होता है वो आपको टी हेल्पर सेल्स को जो है सो वो आपका इंटरेक्ट करता है, और एमएससी फर्स्ट जो है साइटोटॉक्सिक सेल्स को इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये बात हुआ। तो सेकंड पॉइंट है कि टी सेल्स रिकॉग्नाइज दीज कॉम्प्लेक्स यूजिंग देयर टीसीआर। टी सेल्स जो है आपको मेनली रूप से ये जो एमएससी वन और टू जो होता है, क्लास वन और टू, वो उसको टीसीआर के द्वारा, टी सेल्स में एक विशेष तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो आपका टीसीआर कहलाता है, टी सेल रिसेप्टर्स, उसके द्वारा वह आपका रिकॉग्नाइज करता है टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट, एपीसी प्रोसेस एंटीजन एंड प्रेजेंट देम टू टी सेल्स। वह आपका जो एपीसी है, एंटी प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, वो आपको एंटीजेंस को टी सेल्स के लिए
प्रेजेंट करता है, शो करता है, एज ए शो केस की तरह वह आपका कार्य करता है। ये आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में। और देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं कि वह जो आपका एपीसी है वो सेल्स जो है आपका मैन्युअल रूप से टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स, फर्स्ट जो है आपका प्रोफेशनल एपीसी होता है और सेकंड जो है नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखना है कि जो प्रोफेशनल एपीसी होते हैं वो आपका एक्सप्रेस एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल्स, और नॉन प्रोफेशनल जो होते हैं आपका प्रोफेशनल एपीसी एक्सप्रेस एमएससी वन मॉलिक्यूल्स, एमएससी क्लास वन। माने ये जो है आपका मेनली रूप से ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हमारे बॉडी में है वो आपका नॉन प्रोफेशनल एपीसी होते हैं। और जो एपीसी प्रेजेंट करने वाले हैं मेनली रूप से वो आपका प्रोफेशनल्स के रूप में मुख्य रूप से आपका डेंड्राइटिक सेल्स, माइक्रोफाज एंड बी सेल्स। इसके पहले भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि बी सेल्स ही एक ऐसा है जिस पर आपका एमएससी क्लास वन और एमएससी क्लास टू दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स, दोनों तरह के रिसेप्टर्स आपका प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने दूसरे की टाइप्स ऑफ एपीसी तो दो तरह के, एक आपका प्रोफेशनल और सेकंड जो है आपका नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल्स के अंतर्गत मेनली रूप से एमएससी क्लास टू वाले मॉलिक्यूल्स के द्वारा वह एक्सप्रेस होता है, नॉन प्रोफेशनल जो है एमएससी क्लास वन मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक्सप्रेस होता है, और नॉन प्रोफेशनल के अंतर्गत ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स आते हैं एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंतर्गत मेनली रूप से थ्री जो है ये आपका प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपका डेंड्राइटिक सेल्स, माइक्रोफाज एंड बी सेल्स। लेकिन बी सेल्स आपका बोथ तरह के एमएससी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करता है। तो ये आपका टाइप्स प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल्स। अभी देख रहे हैं हम लोग दोनों प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल्स हो उसके आपका क्या कैरेक्टर्स हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट हम लोग देख रहे हैं द एपीसी इन्वॉल्व्ड। एपीसी का क्या फंक्शन है, क्या रोल है इन एक्टिवेटिंग टी सेल्स। एपीसी जो है मेनली रूप से टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, यूजुअली ए डेंड्राइटिक सेल्स। वो खास करके जो है डेंड्राइटिक सेल्स जो आपका मेनली रूप से है, जो वो आपका नाइव्स जो एंटीबॉडीज होता है वो आपका उसको ट्रेन करने के लिए वो आपका डेंड्राइटिक सेल्स ही होता है। तो टी सेल्स कैंट रिकॉग्नाइज फ्री और सोल्यूबल एंटी। टी सेल्स जो होते हैं वो अब कभी भी फ्री और सोल्यूबल एंटीजेंस को वो आपका रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बल्कि जो बाउंडेड एमएससी मॉलिक्यूल्स के द्वारा आउटर सरफेस पर बाइंडिंग होता है या बाउंडेड जो होते हैं मॉलिक्यूल्स उसी को वह रिकॉग्नाइज करता है। ये नहीं कि आपका फ्री है सोल्यूबल्स हैं आपका तो उसको वह आपका रिकॉग्नाइज करता है, वह आपका बाउंडेड थ्रो एमएससी रिसेप्टर्स के द्वारा ही वह आपका रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पर ये कहेंगे टी सेल कैंट रिकॉग्नाइज फ्री और सोल्यूबल एंटीजेंस। नेक्स्ट, दे कैन ओनली रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्स टू प्रेजेंटेड बाई कैरियर मॉलिक्यूल्स लाइक एमएससी मॉलिक्यूल। वह ओनली जो है टी सेल्स कैरियर मॉलिक्यूल्स एमएससी जो मॉलिक्यूल्स होता है उसी के द्वारा उसी को वह आपका रिकॉग्नाइज करता है। टी एच सेल्स जो आपका टी सेल्स का टाइप है, टी हेल्पर सेल जिसको हम कह रहे हैं, कैन रिकॉग्नाइज एक्सोजीनस एंटीजन। टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो आपका एक्सोजीनस एंटीजन को आपका रिकॉग्नाइज करता है, प्रेजेंटेड ऑन एमएससी क्लास
टू माने टी हेल्पर सेल्स जो होता है वो एक्सोजीनस एंटीजेंस को एमएससी क्लास टू के द्वारा ही उसको रिकॉग्नाइज करता है। और टी साइटोटॉक्सिक जो सेल्स होते हैं, टीसी सेल्स जो होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं, वो आपको मेनली रूप से रिकॉग्नाइज्ड इंडोजीनस एंटीजन जो हमारे सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा जो एंटीजन प्रोटीन्स पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स जो आपका एंटीजेंस की तरह काम करता है वो ये आपका इंडोजीनस कहलाता है। मैंने शरीर के अंदर ही वह एंटीजेंस उत्पन्न होते हैं वो आपका इंडोजीनस। तो वह जो है आपका एमएचसी फर्स्ट के द्वारा वो आपको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर एंटी एम आपका प्रेजेंटिंग सेल्स या टाइप्स ऑफ जो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल्स हैं उसके बारे में। नेक्स्ट तो यहां पर देख रहे हैं कि जो टी हेल्पर सेल था वो आपको एक्सोजीनसली एंटीजेंस प्रेजेंटेड ऑन एमएससी क्लास वन और टीसी सेल्स जो है आपका रिकॉग्नाइज इंडोजीनस एंटीजन प्रेजेंटेड ऑन एमएससी क्लास वन। एमएससी क्लास वन मोस्ट सेल्स इन द बॉडी कैन प्रेजेंट एंटीजन टू सीडी 8 प्लस। जो एमएससी क्लास वन है वो आपका वैसे टी हेल्पर सेल्स या टी सेल्स जिसमें आपका को रिसेप्टर्स के रूप में सीडी 8 प्लस मिलता है और जो क्लास टू एमएससी क्लास टू जो है मोस्ट सेल्स या मोस्ट जो आपका टी सेल्स होते हैं जिसमें आपका प्रेजेंट एंटीजेंस टू सीडी 4 प्लस। इसमें जो है टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं जिसमें आपका को रिसेप्टर्स के रूप में आपका सीडी 4 प्लस होता है। इसमें यही आपका मूल रूप से बात हम इसको इस तरह से आपको याद रख सकते हैं इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि एमएससी क्लास वन आपका टीसी सेल्स और उसमें जैसे सीडी 8 प्लस रिसेप्टर को रिसेप्टर्स होते हैं और एमएससी क्लास टू जो आपका टीएस सेल्स को रिसीव करता है जिसमें सीडी प्लस 4 आपका को रिसेप्टर्स होते हैं। ये आपका जो है जनरली टीसी सेल्स जो मेनली रूप से होता हुआ इंडोजीनस एंटीजेंस और टीएच सेल्स जो होते हैं वो आपका एक्सोजीनस एंटीजेंस वो आपका शो करता है। तो यहाँ पर एमएससी क्लास वन और एमएससी क्लास टू और इसमें जो है आपका टी सेल्स साइटोटॉक्सिक सेल्स और हेल्पर टी सेल्स जिसमें आपका एक्सोजीनस और ये आपका एंडोजीनस। अब हम देखेंगे कि जो प्रोफेशनल एपीसी हैं वो मैंने उसे चर्चा किए थे कि मैंने उसे थ्री हैं डेंड्राइटिक सेल्स मैक्रोफाज एंड बी सेल्स। तो अब देखते हैं कि प्रोफेशनल एपीसी
तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनल जो एपीसी है वो आपका ये डेंड्रेटिक सेल्स है, और डेंड्रेटिक सेल्स जो है आपका नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ नाइव टी सेल्स, जो आपका वैसे एंटीबॉडीज जो आपका कभी जो है एंटीजन्स को इंटरैक्ट नहीं किया हो वो आपका नाइव कहलाता है। तो उस तरह के नाइव टी सेल्स को वो आपका एक्टिवेट करता है। इट प्ले ए रोल इन द पेरिफेरल टॉलरेंस, पेरिफेरल टॉलरेंस और एक सेंट्रल टॉलरेंस होता है विच कंट्रीब्यूट्स टू प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज एक मेन रूप से है जो अपने शरीर के अंदर जो है कोई भी पार्ट्स को जो है एंटीजन समझ करके उसे जो है आपका इंटरेक्ट करता है, जो आपका ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है। नेक्स्ट पर सेकंड जो है आपका मैक्रोफेज सेल्स, जो आपका एपीसी सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज स्टिम्युलेटेड बाय ए टी सेल्स सेक्रेशंस ऑफ इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन के सेक्रेशंस के द्वारा वो आपको मैक्रोफेज जो है आपका टी सेल्स के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। मैक्रोफेज आर एबल टू एक्सप्रेस एमएससी क्लास 2, मैक्रोफेज होते हैं मेनली रूप से एक्सप्रेस एमएससी क्लास 2 मतलब वैसे सेल्स मैक्रोफेज में आपका आउटर सेल रिसेप्टर्स एमएससी क्लास 2 होते हैं एंड को स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग द B7 कॉम्प्लेक्स, और B7 कॉम्प्लेक्स जो है को स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं। ये आपका माइक्रो फाज सेल्स। तो अब यहां पर हम लोग लास्ट में नॉन प्रोफेशनल एपीसी के बारे में देखेंगे। तो नॉन प्रोफेशनल एपीसी जो है ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उस पर वह पाया जाता है। नॉन प्रोफेशनल एपीसी सेल्स इंक्लूड ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स टाइप्स इन द बॉडी, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में उस पर पाए जाते हैं। यूज एन एमएससी क्लास 1, और जो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपका एमएससी क्लास 1 का जो है रिसेप्टर्स उसके बॉडी सरफेस पर पाया जाता है। एंड कपल टू B2 माइक्रोग्लोबुलिन टू डिस्प्ले इंडोजीनस एमएससी क्लास 1 जो एम है ना वो मेनली रूप से इंडोजीनस पेप्टाइड्स को ऑन द सेल मेम्ब्रेन, इंडोजीनस पेप्टाइड्स एंटीजेंस को वह अपने सरफेस पर आपका शो करता है। तो ये इस तरह से आपका नॉन प्रोफेशनल हो गया, एक प्रोफेशनल हो गया, प्रोफेशनल्स जो हो गया वो आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो मुख्य रूप से आपका डेंड्राइटिक सेल्स माइक्रोफाज एंड बी सेल्स पर वह आपका एमएससी क्लास 2 के द्वारा वो आपका शो करता है। और ये जो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं वो आपका शो आउटर सरफेस पर एमएससी क्लास 1 के द्वारा इंडोजीनस पेप्टाइड एंटीजेंस को आपका शो करता है फॉर टी सेल्स के लिए। और टीएच टी सेल्स में भी टीएच और टीसी होता है। टीएच जो है वह आपका एमएससी क्लास 2 जो आपका पेप्टाइड्स शो केस है उसको इंटरैक्ट करता है। और साइटोटॉक्सिक सेल टी सेल्स जो होते हैं वो आपका एमएससी क्लास 1 जो इंडिजिनसली आपका पेप्टाइड एंटीजेंस को जो शो कर रहा है उसे इंटरैक्ट करता है। तो इस तरह से आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में हम लोग ने 2 सेशन में मुख्य रूप से देखे,
और जो बहुत ही इसका आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी में इसका रोल है। तो इस तरह से इसका आज का सेशन जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से जो भी मेन बातें था वो आज समाप्त हो गया, और अगले सेशन में इम्यूनोलॉजी ही अभी एक सीरीज के रूप में चल रहा है जिसको हम अगले सेशन में आगे देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट।